हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आराध्य क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट टाइम मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मेट बताया था कि ये चैप्टर के अंदर अपने को तीन टाइप की एक्टिविटी ध्यान में रखने की है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड नंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड नंबर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट टाइम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताया था कि कैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है। तो फिर से एक बार बोल देता हूँ, सम स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक में पार्ट 2, अकाउंट का जो पार्ट 2 है उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 286 उसमें सम नंबर 18 स्टार्ट कर रहा हूँ। 18 नंबर सम स्टार्ट करने से पहले फिर से बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज़ आएगी। तो ध्यान रखना, खाली ओनली फिक्स असेट्स जो हम परचेस करते हैं और जो सेल करते हैं वो आपको ध्यान में रखने का है। मतलब परचेस ऑफ फिक्स असेट्स या तो सेल ऑफ फिक्स असेट्स। दूसरी चीज परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और थर्ड वन जो ध्यान में रखना है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। और चौथी चीज पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। बराबर, चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना है कैश फ्लो इनफ्लो के कैश आउटफ्लो। अगर पैसे आ रहे हो तो कैश इनफ्लो, पैसे जा रहे हो दैट मीन्स कैश आउटफ्लो। ये दो चीज आपको ध्यान में रखने की है। बराबर, तो स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर 18। बराबर, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जितने भी सम्स हैं मैं पूरे कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के अंदर 2 सम्स है प्लस इलस्ट्रेशन भी आपको है 3 करने के, तो वो मैं सारे सम आपको कंप्लीट करा देता हूँ। बराबर, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग में लिखा ही होगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी का सम करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो तो आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड जो भी आइटम आवे वो आपको शो करने की है। लास्ट टाइम मैंने आपको फाइनेंस एक्टिविटी के बारे में बताया था। बराबर, तो बेसिकली क्वेश्चन रीड करना और उसके मुताबिक आप देखना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो वो इनफ्लो है कि आउटफ्लो। बराबर, तो ये 2-3 चीज़ आपको माइंड में ध्यान में रखने की है। और अच्छी तरह प्रॉपर वीडियो जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 अच्छी तरह ध्यान रखना। बराबर, क्योंकि उसके अंदर मैंने लगभग सारी चीज़ जो भी बेसिक फॉर्मेट आता रहता है वो फॉर्मेट भी आपको बताया हुआ है। तो सम की शुरुआत कर रहा हूँ, सम नंबर 18 पेज नंबर 286। पहला नंबर का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मतलब क्या होगा? फिक्स। बराबर, ध्यान रखना, सेल कर रहे। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तो उसका मतलब पैसे आ रहे, दैट इज इनफ्लो। बराबर, तो वो चीज आपको इधर बताने की, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है, वो फॉर्मेट भी अच्छी तरह ध्यान रखना। सेल, आज कोई भी असेट्स बेचते हो पैसे आ रहे, दैट इज इनफ्लो। इनफ्लो आवे तो अमाउंट प्लस में लिखने की, पॉजिटिव अमाउंट हुई। अगर पैसे जा रहे हो तो ब्रैकेट में लिखने का, माइनस हो रहा है। इसीलिए इधर पैसे आ रहे, सेल कर रहे। इन्वेस्टमेंट, हमने कोई भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करा होगा लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे, मतलब पैसे आ रहे, दैट इज इनफ्लो 88,000। उसके बाद सेकेंड नंबर थिंग्स नीचे लिखा हुआ है, परचेज ऑफ लैंड। लैंड भी हमारी फिक्स असेट्स है, तो फिक्स असेट्स हम परचेस करते हैं। बराबर, तो ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, परचेज ऑफ लैंड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हुई बट आउटफ्लो, क्योंकि जमीन खरीद रहे पर पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। यहाँ पर माइनस में लिखने का, 1,48,000 ब्रैकेट में है, इसीलिए ध्यान रखना माइनस कंपलसरी करना है, अपने को माइनस नहीं करना है पर ब्रैकेट में लिखना है। बराबर, तो वो चीज़ ध्यान रखना। फिर बाद में टोटल करना है कंपलसरी, तो टोटल भी अच्छी तरह ध्यान रखना कैलकुलेटर से। बराबर, तो प्रॉपर कैलकुलेटर भी ध्यान, उसका कैलकुलेशन करना। उसके बाद थर्ड नंबर लिखा हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर भी अपनी फिक्स असेट्स हुई, फर्नीचर को बेचते पैसा आ रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। तो लिखो सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 45,000 प्लस पैसे आ रहे,
फर्नीचर बेचते हैं तो पैसे आ रहे, ओके। उसके बाद चौथी चीज लिखा हुआ है परचेज ऑफ मशीन, ये भी ध्यान रखना, मशीन खरीद रहे, मशीन भी फिक्स एसेट्स हुई बराबर, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, पर मशीन खरीदते पैसा जा रहा है मतलब आउटफ्लो हुआ, परचेज ऑफ मशीन्स। अमाउंट के अंदर लिखा हुआ है 98,000 माइनस में लिखो, आउटफ्लो हुआ इसीलिए, बराबर। बेसिकली ये चार चार चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद पांचवें नंबर में लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड बोथ आर सेम। तो आज कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, डिविडेंड रिसीव्ड है मतलब पैसा आ रहा है, तो कैश इनफ्लो, तो यहां पर लिखो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसे आ रहे, रिसीव्ड लिखा हुआ है मतलब इनफ्लो हुआ अमाउंट में, प्लस 40,000, प्लस 40,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड फॉर गुडविल, ये भी ध्यान रखना है, पेड फॉर गुडविल। मैंने आपको फॉर्मेट के अंदर बताया था कि पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स, अगर कोई भी इंटेंजिबल असेट्स के लिए पैसा पे कर रहे हो दैट इज वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई आउटफ्लो, और सेल ऑफ कोई भी इंटेंजिबल असेट्स हो तो इनफ्लो, बराबर। इधर पेड लिखा हुआ है तो नीचे आउटफ्लो में लिखो पेड फॉर गुडविल, पैसा जा रहा है, पेड फॉर गुडविल पैसा जा रहा है तो वो माइनस में आएगा। अमाउंट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 32,000 माइनस में। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर मतलब मैंने आपको बताया था शेयर इश्यू करना मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई भी कंपनी क्या करती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो के पब्लिक कंपनी हो, मार्केट में लोगों से पैसे मंगा रहे तो उसका मतलब शेयर थ्रू कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा मंगा रही है, मतलब एक प्रकार की ये कौन सी एक्टिविटी हुई, फाइनेंसिंग। मैंने फिर भी फॉर्मेट बताया हुआ है पार्ट टू के अंदर, ध्यान रख लेना अच्छी तरह, क्या जो वीडियो नंबर टू है उसके अंदर मैंने बताया हुआ है फाइनेंस एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ समझ लेना शेयर कोई भी हो, चाहे इक्विटी शेयर हो कि प्रेफरेंस शेयर हो, इश्यू ऑफ रिडेम्पशन, इश्यू ऑफ शेयर हो या तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो या तो बोरोड बैंक लोन हो, कोई भी हो, ये सब फाइनेंस एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग नहीं, मतलब ये इश्यू ऑफ शेयर वो इसके अंदर आएगा नहीं। फिर उसके नीचे देखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी लिखा हुआ है, सेम चीज, डिबेंचर कंपनी पहले मंगा रही है मतलब पैसे की जरूरत होती है तो पहले पैसे मंगाती है, फिर बाद में वो पैसे को क्या करती है, रीपे करती है, रिडेम्पशन को इंग्लिश में दूसरी भाषा में बोलते रीपेमेंट, रीपेमेंट दैट मीन्स रिडेम्पशन, ध्यान रखना। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इट्स ऑल्सो अ फाइनेंस एक्टिविटी, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट में लोन बोरो, हम किसी से भी पैसा बोरो कर रहे, आइदर वी कैन बोरो फंड फ्रॉम एनीवेयर, आइदर इट कैन बोरो फ्रॉम एनीवेयर मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, किसी से भी लोन बोरो करता हूँ तो इट इज अ फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग नहीं हुई, मतलब लोन बोरो भी इन्वेस्टिंग के अंदर कंसिडर होगा नहीं, बराबर। तो फ्रेंड्स इतनी चीज आएगी जो आपको ये सब नंबर 18 के अंदर आया, फिर भी मैंने फॉर्मेट के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी सेल या तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, दूसरी चीज सेल या तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरी चीज कोई भी पेड फॉर इंटेंजिबल असेट्स या तो सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, और चौथा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये चार बेसिक फॉर्मेट्स में आपको ध्यान में रखने का है, ओके। तो सम यहाँ पर पूरा हो रहा है, जैसे सम पूरा हो गए आप टोटल कर सकते हो, टोटल में ध्यान रखना खास, ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो कंपलसरी आपको क्या करने की है, माइनस करने की है, तो माइनस वाला अलग करो और प्लस प्लस वाला भी क्या करो, अलग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 98,130,278 माइनस में 278 आ रहा है, बराबर। इधर देख लेना माइनस में 278 है और प्लस के अंदर कितना है 88, आपके पास तो कैलकुलेटर है, आप अच्छी तरह अपनी तरह से चेक कर लेना, 8 और 5 13 1 9 4 13 और 4 17, देखो माइनस में 278 प्लस में 173, प्लस माइनस करोगे फ्रेंड्स तो 105,000 माइनस में आ रहा है,
बराबर बराबर 1,05,000 इधर लिख दो ब्रैकेट में, 1,05,000 इधर लिखने का माइनस आया, मतलब लिखने का कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आता तो मैं इधर लिखता कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इधर माइनस में आ रहा है, चेक कर लेना बरोबर, तो मालूम पड़ेगा कि अगर प्लस और माइनस जो भी हो आपको कंपलसरी इसी तरह से लिखने का है। ड्रॉ करो तो अभी कंपलसरी स्केल पेंसिल से ही क्या करना, ड्रॉ करना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का सम्स जो टेक्स्ट बुक के अंदर दो ही बताए हुए हैं, पहले दो सम्स जो हो गए ना लगभग 15, 16, 17 वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, वो सिलेबस में है नहीं। फिर बाद में 18, 19 सम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं, और बाद में 20 और 21 वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हैं बरोबर। तो 18, 19 सम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं वही सिलेबस के अंदर है, तो ये अच्छी तरह ध्यान रखना सम नंबर 18। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।